कुमार जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, लेकिन उनके साथ 10% 15% वोट भी है जी। उनका जो भाजपा का बेस वोट बैंक है वो नीतीश जी से नाराज चल रहा है जी। जो अपर कास्ट माना जाता है बेस वोट बैंक वो नाराज चल रहा है। 2020 के चुनाव में देखने को मिला कि सारे अपर कास्ट लोगों ने चिराग पासवान को वोट कर दिया, जिसके कारण नीतीश जी 40 सीट पर आ गए जी। तो 25 के चुनाव भी यह नाराजगी ना झेलना पड़े, उसी की तैयारी में भाजपा है कि किसी प्रकार से नीतीश जी पर दबाव की राजनीति करके नीतीश जी को गवर्नर बना दिया जाए, राष्ट्रीय राजनीति में ले जाए और बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा के हाथ में आ जाए। गवर्नर बन के मान जाएंगे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे, यह भी तो सवाल है। वो तो भतीजे के साथ नजदीकियां दिखाकर बीजेपी को कोई और मैसेज दे रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, नीतीश जी कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी। और भारत सरकार का मंत्री पद क्यों लेंगे, जब भारत सरकार का मंत्री पद छोड़ करके वो बिहार आए थे, रेल मंत्रालय जैसे बड़ा महकमा में रहे हैं, कृषि मंत्रालय रहे हैं, पथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के कुछ हालिया घटनाक्रमों पर बात होगी। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार सर हैं, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान नीतीश और तेजस्वी के बीच नजदीकियां दिखी, चाचा और भतीजे के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें होते दिखी, इशारों में भी बहुत कुछ हुआ, क्या ये संयोग है, सिर्फ संयोग है, या बिहार की संभावित तस्वीर है आने वाले दिनों की, इस पर बातचीत करेंगे और कई दूसरे सवालों पर भी बातचीत होगी। सर, सबसे पहले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान जो कुछ भी हुआ, और एक दिन नहीं हुआ, दो दो दिन हुआ, नीतीश कुमार तेजस्वी का हाल पूछते हैं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की बंडी की तारीफ करते हैं, दूसरे दिन फिर तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार पूछते हैं कहाँ थे, वो बताते हैं कि नहीं भाई, हम तो आ गए रांची, हमको जाना है, ये सिर्फ संयोग है या फिर भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ बताना चाहते हैं नीतीश कुमार कि अभी उतनी दूरियां नहीं बढ़ी हैं, आप अपना खेल बंद कीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार हमेशा एक दरवाज़ा खुला रखते हैं, बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं करते हैं, किसी के भी साथ रहें, चाहे RJD के साथ रहते हैं तो भाजपा के साथ बातचीत का रास्ता नहीं बंद करते, और भाजपा के साथ रहते हैं तो RJD से रास्ता नहीं बंद करते, लोजपा में चिराग पासवान से भी बात का रास्ता नहीं बंद करते, हमेशा बातचीत उनकी जारी रहती है और हमेशा उम्मीद की किरण जगाए रहते हैं सभी लोगों के लिए कि कभी भी हम आपके साथ जा सकते हैं, और एक तरह से वार्निंग भी देते हैं अपने सहयोगी दलों के को कि अगर हमारे साथ भीतरघात कीजिएगा, छल कीजिएगा तो हम कभी भी जा सकते हैं, और बार्गेनिंग भी करते हैं, दबाव की राजनीति भी करते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति रही है शुरू से कि एक तीर से वो कई शिकार करते हैं जी। अभी ले लीजिए, मान लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी का दबाव है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, तो भाई एक संदेश है कि अगर आप उधर जाइएगा वक्फ संशोधन बिल पर अगर आप नहीं रोक लगाइएगा तो हम इधर चले जाएंगे। दूसरी तरफ है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है कि RCP को खड़ा किया जा रहा है, फिर प्रशांत किशोर को खड़ा किया जा रहा है कि नीतीश को कमज़ोर करने के लिए, दूसरी तरफ चिराग पासवान के माध्यम से भी इनडायरेक्ट रूप से कमज़ोर किया जा रहा है, तो इन सब बातों से जैसे आम लोगों के बीच जब चर्चा है तो नीतीश कुमार जी तो मजे हुए पॉलिटिशियन, उनको भी एक एक बात की जानकारी रहती है, उनका भी खुफिया तंत्र है, उनके भी जो तंत्र है उनको जानकारी देते रहती है, तो उनको भी इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं गठबंधन दल उसके साथ ठग बंधन चल रहा है गठबंधन में। मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ सर। दो दिन पहले JDU के पूर्व MLC रामेश्वर महतो ने JDU से इस्तीफा दिया, और पर्दे के सामने, कैमरे के सामने तो सहयोगी दल के नेता नहीं थे, लेकिन जहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था जिस होटल में, और रामेश्वर महतो देवेश चंद्र ठाकुर जो JDU के सांसद हैं उन पर हमलावर हो रहे थे, इस्तीफे की घोषणा कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस उस होटल में सहयोगी दल के कई नेता मौजूद थे सूत्रधार की भूमिका में। रामेश्वर महतो ने JDU को झटका दिया या JDU को झटका लगा रामेश्वर महतो के रूप में, तो सूत्रधार की भूमिका में सहयोगी दल के कई नेता वहां मौजूद थे, उस होटल में मौजूद थे। तो सवाल यह भी है कि नीतीश को इन दिनों जो झटके लग रहे हैं उनमें सहयोगी दलों की भूमिका क्यों है, क्यों सहयोगी दल निपटाना चाहते हैं नीतीश को? देखिए,
एक कहावत है कि भाईगत सांप छछुंदर मारी, तो भाजपा के लिए नीतीश कुमार ना निगलते बन रहे हैं ना उगलते बन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, लेकिन उनके साथ 10% 15% वोट भी है जी। उनका जो भाजपा का बेस वोट बैंक है वो नीतीश जी से नाराज चल रहा है, जो अपर कास्ट माना जाता है बेस वोट बैंक वो नाराज चल रहा है। 2020 के चुनाव में देखने को मिला कि सारे अपर कास्ट लोगों ने चिराग पासवान को वोट कर दिया, जिसके कारण नीतीश जी 40 सीट पर आ गए। तो 25 के चुनाव भी यह नाराजगी ना झेलना पड़े, उसी की तैयारी में भाजपा है कि किसी प्रकार से नीतीश जी पर दबाव की राजनीति करके नीतीश जी को गवर्नर बना दिया जाए, राष्ट्रीय राजनीति में ले जाए और बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा के हाथ में आ जाए। गवर्नर बन के मान जाएंगे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे, यह भी तो सवाल है। वो तो भतीजे के साथ नजदीकियां दिखाकर बीजेपी को कोई और मैसेज दे रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना, नीतीश जी कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी। और भारत सरकार का मंत्री पद क्यों लेंगे, जब भारत सरकार का मंत्री पद छोड़ करके वो बिहार आए थे, रेल मंत्रालय जैसे बड़ा महकमा में रहे हैं, कृषि मंत्रालय रहे हैं, पथ मंत्रालय में रहे हैं, तो बड़ा बड़ा मंत्रालय छोड़ के मैं काम किए, वो फिर केंद्र की राजनीति में क्यों जाएंगे। हाँ, होम मिनिस्टर मिले तब भले जा सकते हैं, जो भाजपा देगी नहीं। राष्ट्रपति का पद मिल जाए तो भले जा सकते हैं, जो भाजपा देगी नहीं। तो उनके लिए मुख्यमंत्री की ही कुर्सी है। ये जो चीज़ें हुई सर, विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी को भी मैसेज दे रहे थे कि भाई आप खेल बंद कीजिए, नहीं तो एक दूसरे खेल का दरवाज़ा हमने खोल रखा है। देखिए नीतीश जी की राजनीति आप 90 से देख लीजिए, हमेशा वो इसी तरह से चलते हैं। जब उनको निकलना रहता है तो वो संदेश देना शुरू कर देते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, उनके नेता बोलने लगते हैं और मैसेज देते हैं बातचीत का, चले जाते हैं उनके पास, तो इस तरह से वो संदेश देते हैं। जैसे भाजपा में जाना था तो भाई भाजपा के नेताओं से नज़दीकियाँ, भाषण में बोले कि भाई इन लोगों से हम अलग थोड़ी हैं, इन लोगों के साथ ही हैं, तो वो मैसेज देते हैं कि भाई सचेत हो जाओ, और सचेत हुए तो ठीक है, नहीं तो वो रास्ता पकड़ लेते हैं अपना।